चलिए तो आ रही बड़ी खबर हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ किसान भाई लोगों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर दूसरी किस्त को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त के मौके पर धान एवं गन्ना उत्पादक राज्य के करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करने वाले हैं आज 20 अगस्त पर। चलिए तो बताएंगे पूरी खबर। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जी हां किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें आज मुख्यमंत्री इस अवसर पर केवल किसान ही नहीं बल्कि इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गोठानों समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूह को 3,49,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरण करने वाले हैं। किसानों एवं पशुपालकों को ऑनलाइन राशि का अंतरण का यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगा। वहीं दूसरी ओर किसान भाई लोग आप लोगों को बता दें आज की इस अवसर पर राजीव आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी आज होने वाला है। कहने का मतलब आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर की जाएगी, गोधन न्याय योजना के पैसे ट्रांसफर होगा, साथ ही राजीव आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी होगा। बात करते हैं आज के कार्यक्रम की, किसानों की किस तरह से पैसे मिलने वाली है। बता दें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2020-21 में धान और गन्ना उत्पादक किसानों को फसल उत्पादन प्रोत्साहन आदान सहायता के रूप में राज्य के करीब 21 लाख किसानों को 5600 करोड़ रुपए की अधिक की राशि की 4 किस्तों पे दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि यानी 20 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई और किसान भाइयों को प्रथम किस्त के रूप में 1525 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान उनके खाते में किया गया है। और आज है 20 अगस्त, आप लोग को बता दें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचने वाली है। 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती अवसर पर योजना के तहत किसान भाइयों को द्वितीय किस्त के रूप में 1522 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में आज ट्रांसफर की जाएगी। जी हां, छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का बढ़ने लगा है खेती पर इंटरेस्टेड। यहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य में खेती किसानी को प्रोत्साहन मिला है। बीते 2.5 साल में किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 22 लाख और धान की खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। खेती से विमुख हो चुके लोग फिर से खेती पर जुड़ने लगे हैं। चलिए तो इस तरह से आ रही बड़ी खबर किसान भाई लोग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरे किस्त किसानों के बैंक खाते में आज ट्रांसफर किया जाएगा और दोपहर 1 बजे इसका कार्यक्रम रखा जाएगा और किसानों के बैंक खाते पे ट्रांसफर किया जाएगा 1522 करोड़ 3 लाख रुपए। इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालकों ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26वीं किस्त के रूप में 20 अगस्त को स्वच्छता समूह को लाभांश के रूप में 1,03,00,000 रुपए तथा गोठान समितियों को 1,46,00,000 रुपए, इस प्रकार कुल 3,49,00,000 रुपए का भुगतान करने वाले हैं। कहने का मतलब किसान भाई लोग, सिर्फ राजीव गांधी किसान न्याय योजना ही नहीं बल्कि गोधन न्याय योजना के तहत भी किसानों और पशुपालकों को साथ ही स्वयं सहायता समूह को आज सौगात मिलने वाली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा किस्त किसानों को मिलेगा, गोधन न्याय योजना का 26वां किस्त पशुपालकों के बैंक खाते पे और स्वयं सहायता समूह को आज पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना दूसरा किस्त को लेकर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी वीडियो का नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के साथ बना के रखिए। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हमें चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।